हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीति ब्यूटी स्टेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं बात करने वाली हूँ ओरिएंटल बोटानिक्स के कुछ प्रोडक्ट के बारे में जिन्हें मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ दिनों से। और इसमें है ये अनियन हेयर मास्क और एलोवेरा ग्रीन टी एंड कुकुम्बर अंडर आई कोलॉन है। तो इन दो प्रोडक्ट के बारे में आज मैं बात करूँगी। तो इन दिनों जो है हेयर फॉल के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, और ये सबके ही हो रहे हैं क्योंकि मौसम ऐसा है, मॉनसून में हेयर फॉल होता ही है क्योंकि हमारे रूट्स जो है वो काफ़ी वीक हो जाते हैं। तो मॉनसून के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा हेयर केयर करने की ज़रूरत होती है, और वैसे भी हमें अपने हेयर की केयर करनी चाहिए क्योंकि हम अपने बालों में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिंग टूल्स और कलर काफ़ी कुछ यूज़ करते हैं, तो इस हिसाब से हमें अपने बालों का ध्यान भी रखना चाहिए। तो हेयर ऑयलिंग और शैम्पू पे हम सब ध्यान देते हैं, पर हेयर मास्क हम अप्लाई करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते। और हर वीक मुझे नहीं लगता कि कोई हेयर मास्क अपने हेयर पे अप्लाई करता भी होगा, पर ये करना चाहिए क्योंकि जब हम अपने हेयर वगैरह को कलर करते हैं तो उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा नरिशमेंट, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, नहीं तो वो ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं। तभी कुछ लोग कहते हैं कि आप हेयर कलर करवाने के बाद आपके हेयर जो है वो काफ़ी ड्राई हो जाते, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप प्रॉपर केयर कर रहे हैं अपने हेयर की तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ ओरिएंटल बोटानिक्स के रेड अनियन हेयर मास्क के बारे में, जिसे मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ। ये जो प्रोडक्ट है वो है क्रुएल्टी फ्री है, नेचुरल ऑयल एंड प्योर ऑयल्स हैं इसमें, नो पैराबिन, नो सल्फेट, नो मिनरल ऑयल है इसमें, प्योर एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है। काफ़ी बड़ा जार है ये, प्लास्टिक टब है ये, तो टूटने का या गिरने का कोई डर नहीं है। तो ये प्लास्टिक जार में आया है और काफ़ी अच्छा अमाउंट मिल रहा है आपको हेयर मास्क का। तो ये हेयर मास्क जो है ऑल हेयर टाइप्स के लिए है, यानी आपके हेयर कर्ली हो, स्ट्रेट हो, ऑयली स्कैल्प वाले हो, ड्राई हो, फ्रिजी हो, या फिर आपके हर हेयर जो है कलर किए गए हों, ये हर हेयर टाइप्स के लिए जो है ये मास्क परफेक्ट है और अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं इसे। तो इस हेयर मास्क में जो यूज़ किए गए हैं 26 नेचुरल ऑयल्स, एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन्स, जो आपके हेयर और स्कैल्प के हेल्थ को बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं। तो इसमें यूज़ किए गए हैं रेड अनियन ऑयल, आर्गन ऑयल और ब्लैक सीड्स ऑयल, और इनमें काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये हमारे हेयर को जो है काफ़ी डीपली क्लीन करते हैं, हमारे हेयर और स्कैल्प के हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो ये जो रेड अनियन हेयर मास्क है ये आपके बालों को मजबूती देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, जिससे कि आपके हेयर फॉल बहुत ही कम हो जाते हैं। और रेड अनियन जो है हमारे बालों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि ये हमारे हेयर में जो है डैंड्रफ भी नहीं होने देते और हमारे बालों को मजबूती देते हैं, शाइन देते हैं। अब इसे अप्लाई कैसे करना है, तो इसे अप्लाई करना भी बहुत ही इजी है। आपको हर मास्क की तरह इसे एक घंटे या आधे घंटे पहले लगाकर नहीं रखना है। आपको जब भी आप हेयर वॉश करने जा रहे हैं, आप अपने हेयर को जो है किसी भी शैम्पू से अच्छी तरह से वॉश कर लें और इस हेयर मास्क को अप्लाई कर लें। इसे कंडीशनर की तरह ही अपने बालों में आपको अप्लाई करना है। आप स्कैल्प से लेके पूरे हेयर लेंथ तक इसे प्रोडक्ट को अच्छी तरह से अप्लाई कर लें और इसे 5 से 10 मिनट के लिए रखें और फिर वॉश कर लें, और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसे बिल्कुल भी हेयर मास्क की तरह आधे घंटे रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो हम आलस कर जाते हैं कि कौन आधे घंटे पहले लगाए उसके बाद जाके अपना हेयर वॉश करें। तो ये है कि जब भी आप हेयर वॉश करेंगे इसे ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस हेयर मास्क को जो है आपको एज ए कंडीशनर यूज़ करना है, बहुत ही आसानी से ये यूज़ हो जाएगा, और मैंने भी अपने हेयर पे इसे यूज़ किया है तो काफ़ी पसंद आ रहा है मुझे क्योंकि मेरे भी हेयर फॉल बहुत कम हुए हैं इस मास्क को भी यूज़ करने से। और तो अच्छे तरह से आप अपना हेयर केयर रूटीन अगर कर रहे हैं और मास्क वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो हेयर की लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपके हेयर फॉल भी नहीं होते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है हेयर केयर पर। तो ऑयल अप्लाई करने के साथ साथ आप हेयर मास्क भी अप्लाई कर रहे हैं जिससे आपके बालों को एक्स्ट्रा मजबूती मिलती है। तो अगर आपके बाल कलर किए गए हैं तो आपको ज़रूर ही हेयर मास्क वगैरह अप्लाई करना चाहिए, और कलर किए हुए बालों पे भी ये हेयर मास्क बहुत ही अच्छा है। मेरे हेयर भी कलर किए गए हैं तो मैं भी इसे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये सल्फेट फ्री है, भी हार्मफुल केमिकल से ये फ्री है बिल्कुल, तो ये यूज़ करने में बहुत ही पसंद आ रहा है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी भी है इसकी। तो अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस हेयर मास्क को जरूर ट्राई कर सकते हैं। और सेकंड प्रोडक्ट जो मैं ओरिएंटल बोटानिक्स का ट्राई कर रही हूँ वो है ये एलोवेरा ग्रीन टी एंड कुकुम्बर
अंडर आई रोल ऑन है ये, इसमें एलोवेरा है, ग्रीन टी है और कोकुम्बर है, तो ये तीनों ही हमारे अंडर आई में जो है कूलिंग इफेक्ट देते हैं, बहुत ही रिलैक्स फील होता है आपको इसे यूज़ करने के बाद। इस रोल ऑन में जो है ये मेटल के बॉल्स दिए गए हैं जिससे कि आपको इस प्रोडक्ट को अपने अंडर आई में अप्लाई करना है, तो ये आपके आंखों को काफ़ी ज़्यादा ठंडक पहुँचाते हैं। तो ये रोल ऑन जो है आपके डार्क सर्कल को रिड्यूस करता है, आपके आइज के अराउंड में जो पफिनेस हो जाती है उसे रिड्यूस करता है, और जो हमारे अंडर आई में फाइन लाइंस हो जाते हैं, रिंकल्स हो जाते हैं, उसे भी ये रिड्यूस करता है। आपके आंखों में जो टाइटनेस फील होती है आप इससे मसाज करेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आपको दिखता है कि आपकी टाइटनेस तुरंत ही गायब हो जाती है, क्योंकि बहुत ही कूलिंग इफेक्ट ये आपके आइज़ में देता है। और इसे आप जो है मॉर्निंग और नाइट में यूज़ कर सकते हैं, और 30 सेकंड के लिए आपको जो है इसे मसाज करना है इस मेटल से। तो ये प्रोडक्ट जो है क्रीमी नहीं है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी, काफ़ी वाटर की तरह ये इजीली स्प्रेड हो जाता है, बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है आपके अंडर आई में। इस तरह का अंडर आई रोल ऑन आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं अपने डार्क सर्कल को रिड्यूस करने के लिए। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो ओरिएंटल बोटानिक्स के हैं, तो आप इनके साइट पर जाके इसे परचेज कर सकते हैं, और मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप इंस्टाग्राम पर भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं और इनके प्रोडक्ट्स की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो ये दोनों प्रोडक्ट मुझे काफ़ी पसंद आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये दोनों प्रोडक्ट यूज़ करने में, और स्पेशली ये हेयर मास्क मुझे बहुत ही पसंद आया, क्योंकि मैं इसे कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ, दो तीन बार में यूज़ कर चुकी हूँ, और दो तीन बार में ही मुझे बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखा है मेरे हेयर पे कि हेयर फॉल बहुत ही अच्छे तरह से रिड्यूस हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ओरिएंटल बोटानिक्स रेड अनियन हेयर मास्क के लिए और एलोवेरा अंडर आई रोल ऑन के लिए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।